Hi guys, this is Taukeer Alam here. Today we are going to learn special use of always, continually, constantly and forever. Friends, आप में से बहुत सारे लोग ये बात तो जानते हैं कि always, continually, constantly and forever का use present indefinite tense में होता है. But अक्सर ऐसा होता है friends कि जब हम इन words का use present continuous tense में करते हैं तो बहुत सारे लोग एतराज करते हैं और कहते हैं इन वर्ड्स को आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, ऐसा करना गलत होगा. तो मैं आपसे कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये बात हकीकत है कि आप इन वर्ड्स का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि आप इनको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते. आप इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन कब यूज कर सकते हैं इसका कंडीशन आपको जानना होगा. तो चलिए देखें फ्रेंड्स कि ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कांस्टेंटली और फॉरएवर का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस कंडीशन में आप करेंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स. इन सभी वर्ड्स को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तब यूज कर सकते हैं जब आपको कहना हो, जब कोई आदमी आदतन कोई काम दूसरे के मर्जी के खिलाफ बार बार करता है, तो आप इस कंडीशन में इन सभी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें. They are always disturbing me. आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यह एक कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ इज आरंभ के साथ आप आईएनडी फॉर्म देख सकते हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि यहां पर ऑलवेज का यूज हुआ है. तो यही आपको समझना है कि ऑलवेज का यूज किस सेंस में हुआ है. अब फ्रेंड्स यहां पर जरा आप इसके सेंस को देखें कि कोई आदमी है जो किसी आदमी के मर्जी के खिलाफ बार बार कोई एक्शन कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं. यानी जब कोई आदमी किसी आदमी के मर्जी के खिलाफ कोई काम बार बार करे तो आप कंटिन्यूअस टेंस में भी इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर हुआ भी है. दी नामक आदमी है जो मी नामक आदमी के मर्जी के खिलाफ बार बार शिकायत का काम कर रहे हैं. आइए फ्रेंड्स दूसरा एग्जांपल देखते हैं. सी इज कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग. अब इसका सेंस हुआ कि वह लगातार शिकायत करती रही है या वह लगातार शिकायत कर रही है. अब यहां बातों से ये पता चला कि ये जो फीमेल है ये किसी के मर्जी के खिलाफ लगातार कोई काम कर रही है, यानी शिकायत का काम कर रही है. तो फ्रेंड्स ऐसे सेंस में जब कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी के मर्जी के खिलाफ कोई काम लगातार करे, यानी फ्रीक्वेंटली करे, तो फिर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं. यू आर फॉर एवर फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स. इसका सेंस है कि तुम हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढने में रहते हो या दूसरों की गलतियां निकालते हो. अब फ्रेंड्स यहां पर सोचने वाली बात है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं इज आरंभ के साथ आईएनजी फॉर्म आया है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में फॉरएवर का यूज, ये बात आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा. तो फ्रेंड्स कंडीशन ये है कि कोई आदमी किसी के मर्जी के खिलाफ कोई काम लगातार कर रहा है, और जब ऐसा सेंस हो तो आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि अब आप ये नहीं सोचेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही सिर्फ इन वर्ड्स का यूज किया जा सकता है, बल्कि अब आप जान चुके होंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो तो. उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप अपने सभी दोस्तों को शेयर करेंगे. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय.